नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के डिजिटल लाइव पे। आज अनलॉक 1.0 शुरू हो रहा है और आपकी तस्वीर पे आपको दिख रहा होगा कि फिलहाल चेकिंग चल रही है। पुलिस वाले यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके पास पास है कि नहीं। लेकिन अनलॉक 1.1 में तो ये कहा गया था कि जो राज्य हैं वो आपस में जुड़ पाएंगे, आवाजाही है वो आसानी से हो पाएगी। लेकिन ये बॉर्डर है दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर, यानी कि ये सभी भीड़ जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो अपनी, वो है दिल्ली से आने वाली। और नोएडा का ये कहना है कि अभी फिलहाल नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में, दिल्ली से कोई भी व्यक्ति बिना मूवमेंट पास के, यानी कि ई पास जो प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, उसके हमारे राज्य में नहीं घुस पाएगा। हालांकि अनलॉक 1.0 में केंद्र सरकार ने जो कहा था उसमें ये साफ किया था कि जो राज्य हैं वो आपस में आसानी से जुड़ पाएंगे। लेकिन नोएडा और गाजियाबाद ने ये फैसला लिया है कि अभी फिलहाल दिल्ली से आने वाले लोग नोएडा में और गाजियाबाद में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और एंट्री कर पाएंगे सिर्फ वही लोग जिनके पास मूवमेंट पास होगा। मूवमेंट पास भी वो जो कि फिलहाल प्रशासन द्वारा आपको ऑनलाइन मिलता है वो। तो आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें समझनी है। लेकिन 1 जून था, अनलॉक 1.0 शुरू हुआ, सबके दिमाग में ये चीज़ें थी कि अभी फिलहाल जो नई गाइडलाइंस हैं वो तो राज्य खुल गए हैं, लेकिन ऑफिसेज भी खुल गए हैं। दिल्ली के लोग जो फिलहाल, ये शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल ऑफिसेज जाने की कोशिश कर रहे हैं, नोएडा में उनके ऑफिस हैं, लेकिन ऑफिस खुल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी फिलहाल नोएडा में बिना पास के एंट्री कर पाएंगे। आपकी कोई भी ऑफिस की आईडी भी काम नहीं आने वाली है, आपकी कोई भी परमिशन फिलहाल जो आपने डीएम की तरफ से ऑफिस के पर्चे पे साइन करवा के ली है वो भी काम नहीं आने वाली है। तो बिना ई पास के, यानी कि मूवमेंट पास के, फिलहाल आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी नोएडा में, ये आपको समझना होगा। देखिए बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इसीलिए जी न्यूज़ आपको रोज़ाना डिजिटल पेज पर भी लाइव आकर ये चीज़ें बताता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिलहाल गाजियाबाद और नोएडा नहीं आने दे रहे हैं अपने फिलहाल ज़िले में जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कल भी 1100 से ऊपर मामले देखने को मिले थे, और नोएडा वालों के भी जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों में मामले सामने आए हैं कोरोना के, वो ये है कि 40% दिल्ली से आए हुए लोगों के कारण। तो 40% जब दिल्ली से आए हुए लोगों के कारण मामले सामने आएंगे तो कोई भी जिला एक बार तो घबराएगा। और अभी फिलहाल दिल्ली से जुड़े हुए सभी जिले, सभी शहर, सभी राज्य डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पास चेक कर रही है, पुलिस यहाँ पर, बहुत से टू व्हीलर्स थे जो आज 1 जून को एक साथ देखने को मिले, उनकी फिलहाल ये चिंताएं थी कि हम ऑफिस कैसे जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से इनको वापस कर दिया जाता है, ये नोएडा की तरफ जाने वाला गेट है। बहुत से लोग यहाँ परेशान हैं। देखिए मैं वीडियो के जरिए समझा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कनेक्शन लूप कमज़ोर हो गया था, लेकिन यहाँ ये कनेक्शन कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो आप ना भूलें। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो नोएडा में आप अभी फिलहाल मूवमेंट पास के बिना नहीं जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कोई भी ऑफिस की आईडी की काम नहीं आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फिलहाल सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग या फिर मूवमेंट पास वाले ही आपको जाते दिखेंगे, बाकी सबको ये गाड़ियां आप देखें तो वापस घुमाई जा रही हैं। और सबसे अगर बड़ी बात है तो अगर आप नोएडा में रहते हैं तो दिल्ली आपको नहीं रोकता है, ये नोएडा से आने वाले लोग हैं, दिल्ली आपको नहीं रोकता है, आप आए और खुलेआम दिल्ली चले जाएं। लेकिन जब शाम को आप वापस नोएडा आ रहे होंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या आपने ये मूवमेंट पास लिया था, क्योंकि तब आपको वहां से, यानी कि इस जगह से एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप नोएडा जा रहे हैं या फिर गाजियाबाद जा रहे हैं दिल्ली से, तो भी ये ध्यान रखिए कि आप जब वापस आएंगे तो क्या होगा। सबसे देखिए बहुत परेशानी की बात है, ये लगातार ये जो लोग आपकी स्क्रीन पे है ना, ये सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। आज 1 जून था, बहुत बड़ी मात्रा, मतलब एक जो लोग हैं सड़कों पर आए हैं क्योंकि उन्हें ऑफिसेज जाना था। ऑफिसेज में जो रूल चल रहा था कि जो लोग हैं वो 50% में आए अटेंडेंस पे, लेकिन अब फिलहाल उसमें भी SOP जारी किया गया है, उसमें भी अलग अलग रूल बनाए गए हैं, तो ये लोग परेशान है। सर आपको क्या बोला था ऑफिस में, अभी फिलहाल क्या क्या परेशानी है नोएडा बॉर्डर पर? जाने नहीं दे रहे ऑफिस वाले को, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। ऑफिस वालों को इन चीज़ों से समझ नहीं आता है, वो क्या कह रहे हैं? आ जाओगे तो ड्यूटी रहेगी, नहीं आओगे तो छुट्टी लग जाएगी। अच्छा, छुट्टी लगा दी जाएगी अगर नहीं आएंगे? नहीं आओगे, LPW लीव विदाउट पे। देखिए बिल्कुल इनका ये कहना है कि लीव विदाउट पे लगा दी जाएगी, क्या करें, क्योंकि ऑफिस हैं वो भी प्रेस डालते हैं कहीं ना कहीं। ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सभी लोग वापस किए गए हैं। मैं आपको एक बार और तस्वीर दिखाता हूँ कि जो भीड़ है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए
ये फिलहाल जो भीड़ लगातार दिल्ली से आने वाले लोग तो यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जाम लगा है वो देखिए, फिलहाल इतनी गाड़ियाँ सुबह आई हैं, 9 बजने वाले हैं और अभी ये भीड़ जाम लगा हुआ है और सिर्फ इनको ये चिंता है कि यार नोएडा जाना है। लेकिन नोएडा जाना तो है, लेकिन आपके पास क्या ई मूवमेंट पास है? और वो भी पास आप देखिए ऑफिस की आईडी लेकर, सुबह जो लोग बहुत गलती कर रहे थे यहाँ पर वो ये थी कि वो ऑफिस की आईडी को मूवमेंट पास मान रहे थे। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि एक पास यानी कि जिसपे स्टैंप लगा के आपके ऑफिस ने दे दिया है वो कभी भी मूवमेंट पास नहीं बन सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखेगा कि आपको प्रशासन की तरफ से यानी कि अगर नोएडा की बात करूँ तो उनकी साइट पर जाकर जो ई पास यानी कि मूवमेंट पास बनता है वो लेना होगा, और गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही है, उनकी साइट पर जाके मूवमेंट पास लेना होगा। उसके अलावा आप कोई भी आईडी दिखाकर इस बॉर्डर को नहीं पार कर पाएंगे। और अगर आप नोएडा में रहते हैं तो दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वापस आओगे तो कैसे भैया, आपने मूवमेंट पास थोड़ी लिया है। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए आप ही कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ये लोग जा तो रहे हैं लेकिन इनके पास मूवमेंट पास होना चाहिए। एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जा पा रहे हैं अभी भी फिलहाल। जो एक और गलती मैं आपको बताता हूँ जो लोगों की हो रही है वो है मूवमेंट पास पर वो तारीख, आपके लिए जो मूवमेंट पास बनाया गया था उस तारीख भी खत्म होती है, तो उसकी तारीख को भी अगर आप जांच लें तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि नहीं तो आपका ऑफिस फिलहाल शायद आपकी मदद करे ना करे, यहाँ से आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये भीड़ ये है कि जो फिलहाल दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, छुट्टी मिल गई है, लेकिन इनमें से जब मैंने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि छुट्टी नहीं मिली है मुझे, आज वो छुट्टी लगा देंगे यानी कि मेरे को फिलहाल पैसा काटा जाएगा। और पैसा क्यों काटा जाएगा? क्योंकि भाई 1 जून थी, आज से कानून बदल गया था, हमारी मदद करने के लिए कोई आया नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं अब ये वक्त है कि कंपनीज जो है इन लोगों को लगातार काम पर बुलाती हैं वो इनकी मदद करें, क्योंकि कंपनी से कुछ लोग अभी फोन पे बात कर रहे थे, इनका ये कहना था कि ऑफ कंपनी तो ये कह रही है कि आप कैसे भी कुछ भी करके कोई गली से निकल के आ जाओ। अरे भाई गली से निकल के राज्य पार होते हैं क्या? मतलब कंपनी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सबसे अच्छा समय है अपने एम्प्लॉयज का साथ देने का, कि समझे कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, ऑफिस आने का, परेशान हो रहे हैं सड़क पे सिर्फ ऑफिस जाने के लिए। तो ये लगातार फोन मिला के पूछ रहे हैं अपने कंपनीज में कि सर हमें रोका गया है, बहुत परेशानी हो रही है। मैम अभी फिलहाल अगर समझें तो परेशान है, देखिए आप बहुत परेशान हैं, यहाँ पर लोग जवाब तक नहीं दे पा रहे, लेकिन ये परेशानी देखिए आज समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उस कंपनी को जिसको ये पता है कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो दिल्ली में काम करता है, जिसको ये पता है कि मेरे एम्प्लॉई को रोज़ाना नोएडा आना है, और जिस कंपनी को ये भी पता है कि उसे रोज़ाना कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अब इस जाम से बचने के लिए सिर्फ फिलहाल आपके लिए यही चाह रहा है कि आप घर से निकलें उससे पहले ही ये जांच लें कि आपके पास क्या मूवमेंट पास है, मूवमेंट पास है तो क्या उसकी तारीख तो नहीं निकली है, क्योंकि ये भीड़ मैं अभी आपको बता दूं यहाँ से घूम के वापस दूसरी तरफ आने वाली है, क्योंकि अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको आज एंट्री नहीं मिलने वाली है। बहुत से लोग हैं जो आज ऑफिस जाना चाहते थे, ये आज वही भीड़ एक बार देखने को मिल रही है जो हमेशा से कोरोना काल से पहले से हमें देखने को मिलती थी, उतनी सड़कों पर लगातार पहुंच रही है, क्योंकि कंपनीज खुल चुकी हैं, कंपनीज में कहा गया है कि आप लोगों को काम पे आना है, लेकिन रूल्स भी तो समझिए ना, मूवमेंट पास के बिना नहीं है। तो आप सबसे पहले अगर आप नोएडा में काम करते हैं और दिल्ली से आ रहे हैं तो आप समझिए, आपको ये अपने ऑफिस को समझाना पड़ेगा कि भैया आज गाइडलाइन थी अनलॉक 1.0 की वो नोएडा और गाजियाबाद फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको इवेंट मूवमेंट पास की ज़रूरत है। या तो कंपनी एक काम कर सकती है कि अपने सभी आने वाले एम्प्लॉयज़ का फिलहाल ई पास बनवाने के लिए प्रशासन के पास पहुँचे, अपने सभी एम्प्लॉयज़ का एक साथ प्रशासन के पास जाकर ई पास बनवा ले, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे जाकर लिखिए कि मूवमेंट पास फॉर नोएडा बॉर्डर, या फिर लिखिए गाजियाबाद बॉर्डर, आपके पास जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको बुक करना होगा कि फिलहाल कितने दिन के लिए आप पास बनवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आपको हमेशा पास बनवा भी लें तो आप वो तारीख को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो तारीख भी बेहद ज़रूरी है कि कहीं पास पर वो तारीख ना निकल जाए। ये भीड़ साहब बता रही है कि
जो लोग हैं वो देखिए अपना कर्तव्य को किस तरह से पूरा कर रहे हैं। अपना काम करने के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इस भीड़ को आप बुरा नहीं कह सकते। ये भीड़ क्या करना चाह रही है? ये भीड़ सिर्फ ये करना चाह रही है कि अपने ऑफिस पहुंचूं, अपना काम करूं। इन पर भी एक तरीके का प्रेशर है। तो आप जब भी इस तरीके के जाम को देखें तो आप ये मत कहें कि यार लोग जाम लगा लेते हैं, ये लोग अपना ऑफिस जाना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने की चिंता है, लेकिन परेशानी इन्हें लगातार झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको एक बार फिर से जो रूल है वो बता दूं। नोएडा और गाजियाबाद फिलहाल एंट्री नहीं दे रहे हैं बिना पास के, सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग आ पा रहे हैं। आपको अगर नोएडा की तरफ जाना है, आप काम करते हैं आपकी कंपनी और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको मूवमेंट पास बनवाना पड़ेगा। मूवमेंट पास यानी कि मूवमेंट पास जो प्रशासन द्वारा दिया जाता है, ना कि आपके ऑफिस की आईडी पर लगी हुई कोई मोहर। तो लगातार आपको मैं यहां से इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। आज बेहद भीड़ है। अगर आप नोएडा में ऑफिस जाने वाले हैं तो उससे पहले ही अपने ऑफिस में एक फ़ोन कर दें कि मेरे पास पास नहीं है अभी भी, इसलिए मैं शायद आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। और ऑफिस को भी इसमें मदद करनी पड़ेगी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि इसका हल कैसे निकाला जाए। प्रशासन के पास जाकर ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाकर बात करें कि फिलहाल मूवमेंट पास क्यों ना एक साथ सभी एम्प्लॉइज का बना दिया जाए। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.